हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डायफ्रैक्शन। राइट, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। डायफ्रैक्शन क्या है? द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजिस ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग इन टू इट्स ज्योमेट्रिकल शेडो। ये डेफिनेशन आपको हर एक बुक में मिलेगी, ज्योमेट्रिकल शेडो। राइट, ये आपको हर बुक में डेफिनेशन मिल जाएगी, सेम डेफिनेशन। और मैंने आपको जब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी, मैंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ साउंड वेव्स। पहले तो हमने ये भी सपोज किया था कि एक ईथर मीडियम है, ये मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था कि भाई कि मुझे सबसे पहले वेव नेचर की बात करनी है। तो आपके पास एक वो आपकी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, उसके बाद फिर वो आ गया कि भाई मीडियम है, ईथर वगैरह है, वो सारी बातें हमने की थी। इसका मतलब साउंड वेव आपकी लाइट वेव का बेस है। वो तो फिर बाद में मैक्सवेल ने बताया कि कोई मीडियम नहीं चाहिए इसकी लाइट वेव की प्रोपेगेशन के लिए। अब मैं जो कुछ इस कमरे में बोल रहा हूं, अगर कोई दरवाजा कमरा बंद किया हुआ साउंड प्रूफ है तो बाहर आवाज नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं कोई दरवाजा या खिड़की खोल दूं तो और कोई पर्सन और स्टूडेंट बाहर खड़ा हुआ है दीवार के इस दफे, तो आवाज घूम के उसके पास पहुंच जाएगी। अगर मैं यहां कोई खिड़की खोल दूंगा तो मेरी आवाज यहां से बाहर निकल जाएगी। अगर मैं छत पे कोई वेंटिलेटर बना दूंगा तो मेरी छत यहां आवाज मेरी छत से बाहर निकल जाएगी। तो जो साउंड वेव है वहां तो बेंडिंग मुझे नजर आ रही है। क्या ये कभी हुआ आपके घर के अंदर कि दो कमरे हैं, एक कमरे में आप पढ़ रहे हो, एक में आपकी ब्रदर या सिस्टर पढ़ रहे हैं, और हुआ क्या उस कमरे के अंदर आपने लाइट जलाई हुई है और लेकिन आपके ब्रदर के कमरे में लाइट नहीं है, आप अपना दरवाजा खोल दो तो क्या लाइट घूम के आपके ब्रदर के कमरे में चली जाएगी? नहीं, साउंड तो जा रही है लेकिन लाइट तो नहीं जा रही। साउंड जा रही है, लाइट नहीं जा रही। तो पहले तो इसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या रहा है बेसिकली। व्हाट इज अ साउंड वेव? साउंड वेव की बात करते हैं पहले, साउंड वेव्स। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी? 332 मीटर पर सेकंड। ये साउंड वेव की वेलोसिटी कहां है? एयर में है, भाई स्टैंडर्ड वेलोसिटी है ये। न्यूटन्स फॉर्मूला से आपने 11th में निकाली हुई है, दैट इज 332 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज वी? दैट इज न्यू लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा साउंड? कितनी आ जाएगी? वी बाय न्यू। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप पढ़कर आए हो साउंड वेव्स की, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ये आपकी कौन सी रेंज है? ऑडिबल रेंज है भाई, ये भी आप पढ़कर आए हो किलो हर्ट्ज तक। तो दोनों जगह निकाल देते हैं इसको, 20 हर्ट्ज पे भी निकालते हैं, 20 किलो हर्ट्ज पे भी निकाल देते हैं। तो पहले 20 हर्ट्ज की बात करते हैं। व्हाट इज वी? 332 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ जाएगा ये? 16.6 मीटर आ जाएगा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, 16.6 मीटर। ठीक है जी, एक और फिर निकाल देते हैं, कहां पर लैम्डा साउंड को? कहां पर? 20 किलो हर्ट्ज पे भी निकाल देते हैं। तो v बाय न्यू इज इक्वल टू 332 डिवाइडेड बाय 20 किलो हर्ट्ज कर देते हैं, इनटू 1000 करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 16.6 mm आ जाएगा, बस और क्या फर्क पड़ेगा। मींस 1.66 सेंटीमीटर आ जाएंगे। देख लो बच्चा जी, 1.66 सेंटीमीटर। अब जो ये 16.6 मीटर है, ये तो ऑलमोस्ट एक कमरे की दीवार के बराबर है। दीवार भी तो कमरे की मेरे ख्याल से 10 फीट बाय मैक्सिमम कमरा 10x12 का या 12x12 फीट का होगा, मींस 4 मीटर बाय 4 मीटर का होगा, ये तो 16 मीटर आ रही है। और ये 1.66 कोई रोशनदार वेंटिलेटर आपने बना दिया या कोई खिड़की थोड़ी सी खोल दी आपने, वो आ रही है। तो मेरे पास जो साउंड वेव है उनमें जो मैंने आपकी खिड़की बनाई है वो इस रेंज में है। अब लाइट वेव्स की बात करते हैं। लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 4200 एंगस्ट्रॉम से लेकर
7200 एंगस्ट्रॉम तक है रफली जो विजिबल रेंज है। वैसे तो ये 3800 से स्टार्ट हो जाती है, तो चलो 38 से कर देते हैं, यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आपको साउंड वेव का डिफ्रेक्शन पढ़ना था तो आपने ये कहा मेरे पास साउंड वेव के केस में जो मेरे पास लैम्डा है वो इस रेंज में है, तो अगर मुझे डिफ्रेक्शन चाहिए तो सबसे पहले तो जो मेरा ऑब्स्टेकल है और जो मेरी वेव है उनका आपस में एक रिलेशनशिप मींस दे शुड बी कंपेरेबल। तो मैंने कहा मेरी साउंड वेव की वेवलेंथ इस रेंज के अंदर है, और जो मैंने अपना कहा, मैंने कहा यहां से थोड़ा वेंटिलेटर खोल दो या यहां से दरवाजा खोल दो, वो इस रेंज में आएंगे। लेकिन साउंड वेव्स तो मेरी इस वेवलेंथ की है, इस रेंज का अगर ऑब्स्टेकल होगा मींस अगर मैं खिड़की बना सकूंगा मींस या मैं कोई रोशनदान बना सकूंगा इस रेंज के अंदर, तब वो डायफ्रेक्शन जरूर होगा। लेकिन अगर मैंने क्या कहा था भी आपको कि एक कमरे में आप पढ़ रहे हैं, एक में आपका ब्रदर सिस्टर पढ़ रहे हैं, आपके कमरे में लाइट जल रही है, अगर आप दरवाजा खोलोगे तो लाइट उनके कमरे में नहीं पहुंच रही, लेकिन जो कुछ आप बोल रहे हो वो वहां पहुंच रहा है। क्यों? जो कुछ आप बोल रहे हो उसके लिए ये दरवाजा आपका इस रेंज में है, तो साउंड डायफ्रेक्ट होकर उसके कमरे में पहुंच गई, आपके ब्रदर या सिस्टर के कमरे में, लेकिन लाइट डायफ्रेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए मुझे ऑब्स्टेकल इस रेंज का चाहिए। तो सबसे पहले फॉर स्टडिंग डिफ्रेक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव यूज्ड। तो साउंड वेव के अंदर साउंड की रेंज का, लाइट वेव्स के अंदर लाइट की रेंज का। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मुझे डायफ्रेक्शन स्टडी करना है तो मुझे ये चीजें चाहिए। नंबर टू, मेरे पास दो तरह के डायफ्रेक्शन पैटर्न है, एक फ्रेजनल का है और एक फ्रॉनऑफर का है। अब जो फ्रेजनल डायफ्रेक्शन है उसके अंदर सोर्स और वो जो आपका ऑब्स्टेकल है वो फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, और इसके अंदर कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉनऑफर के अंदर। लेकिन लैब में फिर भी मैं फ्रॉनऑफर को स्टडी करता हूं, और मैं आज आपका फ्रॉनऑफर ही डिस्कस करूंगा। लेकिन अब क्वेश्चन मन में ये आता है कि अगर वो इंफिनिटी डिस्टेंस में लैब में कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करता हूं, एक सोर्स ऑफ लाइट लेता हूं, उसको पैरेलल बीम बना देता हूं, दैट इज इक्वल टू कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, और यहां आपका एक ऑब्स्टेकल रख दूंगा। गेटिंग इट? इस तरह से काम करूंगा। तो मुझे आपका फ्रॉनऑफर डायफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट पढ़ना है जो मेरे सिलेबस में है। लेकिन सबसे पहले यह मुझे पता होना चाहिए कि साउंड वेव भी डायफ्रेक्ट करती है, वॉटर वेव भी डायफ्रेक्ट करती है, रास्ता चेंज करता है पाथ अपना, जो वॉटर वेव है साउंड वेव भी डायफ्रेक्ट करती है। लेकिन अगर आपको डायफ्रेक्शन इफेक्ट को स्टडी करना है देन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव यूज्ड। तो अगर साउंड वेव है इस रेंज का चाहिए, अगर लाइट वेव्स है तो इस रेंज का चाहिए। अगर इस रेंज का ऑब्स्टेकल है तो मेरे पास डायफ्रेक्शन इफेक्ट बिल्कुल आएंगे, उसी को मुझे स्टडी करना है। गेटिंग इट? कि मुझे पढ़ना क्या है। चले, फ्रॉनऑफर डायफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट। राइट, ये मेरे पास एक पैरेलल बीम ऑफ रेज है, ये आ रही है। मैंने एक विंडो लगा के इसको कन्फाइन कर लिया पहले, डब्ल्यू डैश एक विंडो लगा दी कि भी जो ऊपर नीचे वाली थी वो सारी यहीं रुक जाए, बस आगे मत जाए। उसके बाद एक ऑब्स्टेकल लगाया, एक विंडो लगाई जिसमें से मैंने इसको पास करनी है, ये एक विंडो लगा दी। राइट, दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये ऑब्स्टेकल है आपका, ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, तो एक दरवाजा खोल दिया मैंने, और ये मेरे पास एक स्क्रीन है, सपोज कर दिस इज माई स्क्रीन। राइट, तो क्या होगा, रे सीधी जाएंगी, अब इनको फोकस करना है। मैंने एक यहां पर एक लेंस लगा दिया, दिस इज लेंस, ये लेंस लगा दिया, इसने इसको फोकस कर दिया एट सेंट्रल पॉइंट, ये इनको यहां फोकस कर दिया भाई, यहां फोकस कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया, पॉइंट सेंट्रल पॉइंट ओ आ गया।
मैंने कहा यहां पर डायफ्रेक्शन हो रहा है, स्कैटर हो रही है साइडों पे भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो इसी फिगर को दोबारा फिर नीचे बनाते हैं, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा तो आपको कंफर्टेबल रहेगा, अगर दो फिगरें बनाऊंगा तो कंफर्टेबल फील करोगे आप। ये वही आपका डब्ल्यू डब्ल्यू डैश है, ये विंडो लगाई है, जस्ट एक ब्लॉक किया कि मुझे इतने पोर्शन में ही रेज चाहिए बस। उसके बाद मैंने फिर यहां पर एक विंडो लगा दी, दिस इज योर ए, दिस इज योर सेंट्रल रे, दिस इज योर बी, यही वही स्क्रीन है, राइट। मान लो मैंने कहा मैं इस एंगल पे बात कर रहा हूं, इस एंगल पे बात कर रहा हूं, इस एंगल पे क्या हुआ, तो मैंने अब लेंस को आपके घुमा दिया, लेंस ने क्या किया, क्योंकि जो उसकी एक्सिस के पैरेलल आ रही है उनको फोकस करता है लेंस, लाइक दिस, इसको यहां फोकस कर दिया, और ये आपका सेंट्रल पॉइंट था पहले ओ, इस पॉइंट को पी सपोज कर लो। सपोज ये एंगल थीटा है, तो मैंने क्या किया, यहां से एक नॉर्मल प्लॉट किया पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए, दिस इज एन, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, ये तो ज्योमेट्री है सारी। आपकी बुक में क्या किया हुआ है, इस लेंस को नहीं घुमाया, बस यहीं पर ही टेढ़ी करके दिखा दी है। पहली बात तो ये मोस्टली बुक्स में ऐसे किया हुआ है, मोस्टली बुक्स में क्या किया हुआ है, यहीं से रे निकाली और यहीं कर फोकस करके दिखा दी, और ये मुझे पता है कि मेरा लेंस हमेशा जो रेज उसकी एक्सिस के पैरेलल आ रही है उनको फोकस करता है, तो मुझे लेंस को घुमाना पड़ेगा, इसलिए मैंने दो फिगरें बनाई आपके लिए। मोस्टली बुक्स में ये लेंस को नहीं घुमाया, उसका रीजन है क्यों नहीं घुमाया। एक बुक आती है ब्रिज ऑप्टिक्स बाय ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की बुक आती है, और उस बुक में बहुत डिटेल में ऑप्टिक्स को लिखा हुआ है। उस समय ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम जो आपके ऑथर हैं, उनसे वो बेचारे इस लेंस को घुमाना भूल गए, तो अगर वो भूल गए हैं तो आगे सब भूल गए घुमाना, सबने उनको एज इट इज फिगर को लगाया हुआ है, तो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है बच्चा, चलें आगे। अब ये पाथ डिफरेंस आ गया दोनों रेज के अंदर, फोर पॉइंट पी, व्हाट इज पाथ डिफरेंस, ए एन। सपोज कर लिए इसकी जो विड्थ है वो है, उसको मैं एक नाम दे रहा हूं, दैट इज स्मॉल ए। मैं डी भी नाम दे सकता हूं, लेकिन स्मॉल ए से डिनोट करूंगा, नहीं तो फिर मुझे वो वाला याद रहेंगे मैंने इंटरफेरेंस में डी किया था, तो मैं स्मॉल ए नाम दे रहा हूं इसको, दिस इज स्मॉल ए। तो ए बी कितना स्मॉल ए है, इन ट्रायंगल ए बी एन, व्हाट इज ए एन, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। Is equal to small a sin theta. ये path difference आ गया है भाई, between the rays interfering at point P. दो रे अलग अलग है जो यहां पर जाकर मिल रही है, मिलना तो इंटरफेरेंस ही होता है, हुआ डायफ्रेक्शन है, लेकिन उसकी वजह से दो रे यहां के मिल रही है। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या है पॉइंट। हमने पहले जनरल थ्योरी दी कि a sin theta अगर n लैम्डा के बराबर है, और n कितना है, 1 टू 3, जीरो नहीं है, ध्यान रखना, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, जीरो नहीं है, बी केयरफुल, जीरो नहीं है, जीरो तो इसके लिए था, वो तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्या है वो पॉइंट। कहते मान लो n 1 है, तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, मींस पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है a और b के बीच में जो दो रेज आ रही है। तो कोई बात नहीं, इस होल स्लिट को आप दो पार्ट की बनी हुई सपोज कर लो, एक अपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, तो ये ए है, ये बी है, और ऐसे सपोज कर लो ये सी है, इन दोनों के बीच का गैप लैम्डा है ना, तो कहते तो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां तो गैप जीरो है, यहां पहुंचते लैम्डा हुआ, कहते यहां जीरो है यहां, तो कहते रास्ते में एक पॉइंट आएगा लैम्डा बाई टू और ये लैम्डा, ऐसे तो होगा गैप पूरा धीरे धीरे बढ़ेगा ऊपर को गैप, जैसे आप ए से फ्री, क्योंकि यहां पर एक ब्रॉड स्लिट है, एवरी पॉइंट ऑन द स्लिट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, तो सब सेकेंडरी वेवलेट्स निकाल रहे हैं, मैंने तो यहां वाले और एक्सट्रीम वाले में बात की है, तो बीच में भी तो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, उनका गैप कितना हो जाएगा लैम्डा। तो इसको मैं डॉटेड को हटा देता हूं, इसको थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं कि कुछ इसने निकाले कुछ ही दिस। कहते हो क्या रहा है, कहते एक अपर हाफ बन गया एक लोअर हाफ बन गया। अब अपर हाफ में कुछ पॉइंट्स होंगे, सपोज मैंने कहा ये पॉइंट है और इसमें लोअर हाफ कुछ पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे,
जैसे एसी को आधा करा, सी भी आधा, अगर थोड़ा नीचे है तो थोड़ा नीचे यहां भी आना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे होंगे थोड़ा नीचे यहां भी आना पड़ेगा। कहता है इन द अपर हाफ देर इज ए पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट, देर इज ए पॉइंट इन द लोअर हाफ फॉर विच पाथ डिफरेंस इज अगेन लैम्डा बाय टू। कहता है ये जो पूरा ब्रॉड सोर्स है, स्लिट है, इसके अंदर क्या बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सेकेंडरी वेवलेट सबमिट कर रहे हैं। कहता है अगर मैंने दो पार्ट बना लिए, अगर कोई पॉइंट मैं अपर हाफ में कंसीडर कर रहा हूं, उसको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लोअर हाफ में भी होगा, जिनके बीच का गैप फिर लैम्डा बाई टू होगा। ऐसे ही इसका और इसका गैप लैम्डा, अभी मैं पढ़कर आया हूं, अभी मैंने वर्ड लगाया था, ये दोनों इंटरफेयर कर रही हैं, अभी मैं पढ़कर आया हूं, इंटरफेरेंस में अगर पाथ गैप लैम्डा बाई टू हो, दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, तो क्या बनेगा, मिनिमा आएगा। तो ये फर्स्ट मिनिमा बन जाएगा, फर्स्ट मिनिमा कहां पर, अगर आपने n को 1 सपोज किया है, फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट मिनिमा बन जाएगा। अब आप n को 2 सपोज कर लो तो क्या बन जाएगा, a साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब वही स्लिट है ab, वही ab है, कहते तो इसके और इसके बीच में गैप, कहते भाई 2 लैम्डा है ना, ये 0 है 2 लैम्डा है, तो इसके अब चार पार्ट्स बना लो। अब कंजेक्टिव टू पार्ट की बात करूंगा, ये लैम्डा है और ये 2 लैम्डा है, तो इन ये 0 है, तो कहते हैं जो आपने चार पार्ट बनाए हैं, कंजेक्टिव टू को उठाओ, उनमें कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट इन द वन हाफ देयर इज अ पॉइंट इन द सेकंड हाफ फॉर व्हिच पाथ गैप इज लैम्डा बाय 2, क्योंकि ये नीचे वाली पूरी इसके बराबर बन गई ना, देखो नीचे वाली इसके बराबर बन गई, तो ये दोनों क्या करेंगे, इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, और ये भी इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, तो क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा, सेकंड मिनिमा कहां पर, n इज, ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 के लिए कर लो, एंड सो ऑन, बन गए मिनिमा। ये सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, सोच बुद्धि है, अभी इसमें मैथमेटिक्स नहीं किया मैंने, दिस इज प्योर ए सोच बुद्धि कि भी ऐसे हुआ होगा, दिस इज प्योरली ए सोच बुद्धि, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई अभी इसका मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स बाद में आएगा अभी इसका, इट इज प्योरली ए सोच बुद्धि, मींस थॉट प्रोसेस है ये, ऐसे हुआ होगा। अब मैक्सिमा की बात करते हैं, तो जब मैक्सिमा की बात करनी है, मैंने कहा वही a साइन थीटा बराबर n लैम्डा है, अब मैंने पाथ डिफरेंस को n लैम्डा नहीं किया, कुछ और किया भाई, क्या किया वो देखते हैं। मैंने कहा पाथ डिफरेंस मेरे पास क्या है, n लैम्डा नहीं है भाई, उसको चेंज कर देते हैं पाथ डिफरेंस को, लो जी इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस पाथ डिफरेंस को मैंने कहा हां जी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, क्योंकि देखो ना मैंने इंटेग्रल मल्टीपल लैम्डा तो ले लिया, अब ऑड इंटेग्रल की बात करनी है, ऑड इंटेग्रल की बात करनी है, लो जी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, यहां फिर वही n इज इक्वल टू 1, 2, 3, n 0 नहीं है, ना ही मैंने 2n माइनस 1 किया, क्योंकि लैम्डा बाय 2 भी नहीं है, पहला मिनिमम लैम्डा भी बनाया ना मैंने, तो अब अगर n 1 है तो व्हाट इज a साइन थीटा, 3 लैम्डा बाय 2। कहते उसी स्लिट्स के तीन पार्ट सपोज कर लो, उसी ए बी के तीन पार्ट्स बना लो, कहता आज तो ये जीरो है, ये 3 लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा हो जाएगा और ये लैम्डा बाय 2 जो, कहता इन दोनों के तो जैसे पीछे प्रोसेस बताया था, ये दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, तो वहां नेट इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन ये वाले जो पार्ट से जा रहे हैं दे आर बींग यू कैन से अनइफेक्टेड अनएक्सपोज्ड, वहां सारे जाके मिल जाएंगे और एक इल्यूमिनेशन दे देंगे आपको, इंटेंसिटी दे देंगे फॉर्म फर्स्ट मैक्सिमा। ये क्या है फर्स्ट मैक्सिमा, एन इज इक्वल टू के लिए फर्स्ट मैक्सिमा, नीचे लिखता हूं मैं फर्स्ट मैक्सिमा, राइट फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक हो गया। अगर एन इज इक्वल टू 2 है, ये क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2, अगेन इसके पांच पार्ट बना दो बस, अब और क्या भाई, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पहले चार्ट पार्ट तो वही दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, लेकिन इसका इफेक्ट वहां रहेगा फिफ्थ पार्ट का उस पॉइंट के ऊपर। अब देखो एक तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि भी पहले जो स्लिट थी उसका 1/3 पोर्शन वहां पे इफेक्ट शो कर रहा था, 2/3 खत्म हो गया था, जब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं यहां पर 80% खत्म हो गया, सिर्फ 20% पहुंच गया, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम जो दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक तो मेरे पास ये बिल्कुल आपको कन्विंस करने के लिए भाषा है मेरे पास कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम गोज ऑन डिक्रीजिंग, अगर थर्ड की बात करनी है 7λ/2 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या कह दिया यहां पर, ये अब मैंने इधर लिख देता हूं, तो मेरे पास अगर a sin थीटा बराबर n लैम्डा है
तो ये मिनिमा की कंडीशन है। अगर a साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है। राइट हो गया बच्चा जी, यही कहा मैंने वहां पर सारा, उसको रब करना है मुझे। मैंने यही कहा बच्चा जी आपको कि अगर मेरे पास a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है, दैट इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, और अगर a साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है तो वो कंडीशन ऑफ किसकी है बच्चा जी, मिनिमा की कंडीशन। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा काम और करना चाहता हूं। मैंने क्या कहा आपको कि इसका इंटेंसिटी पैटर्न कैसा बनेगा भाई। मैंने आपको कहा कि मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है कि अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूं तो वहां पर जो है 2/3 ऑफ स्लिट का जो यू कैन से वेव्स थी वो कैंसिल हो रही है और 1/3 की पहुंच रही है। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, सेकंड मैक्सिमा की, तो वहां ओनली 1/5 पहुंच रही है। तो वह इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब ध्यान से सुनो बच्चा जी, जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो कुछ ऐसा होगा, वो पहले बना रहा हूं। मैंने क्या कहा, ये सारा मेरा थॉट प्रोसेस है, मुझे इसमें क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता, ये सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस है। ऐसे ऐसे ही भाई ऊपर को भी होगी, ये लाइक दिस, ठीक हो गया। ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है लाइक दिस, ठीक है। इसको तो नाम देते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको मैंने डिस्कस किया ही नहीं बिल्कुल भी, इसका जिक्र मैंने किया ही नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा। ये है मेरा फर्स्ट मैक्सिमा जिसका जिक्र किया मैंने, ये है मेरा सेकंड मैक्सिमा, राइट। ऐसे ही ये नीचे की डायरेक्शन में है, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, ये है मेरा सेकंड मैक्सिमा। अब ये क्या है फर्स्ट मिनिमा जो बताया अभी मैंने आपको, फर्स्ट मिनिमा, ये क्या है सेकंड मिनिमा। ऐसे ही नीचे को ये फर्स्ट मिनिमा है और ये आपका सेकंड मिनिमा। ये मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिया सर आपको, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं किया मैंने इसके अंदर। मैंने कहा ऐसे हुआ होगा, अगर ये मान लेते हैं अगर वो लैम्डा है तो मिनिमा बनेगा एंड सो। अब वो कहता है इस की विड्थ तो बताओ कितनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो निकाल नहीं सकता हूं मैं कैसे भाई। मैंने कहा मान लो ये पॉइंट पी है जो नीचे बनाया मैंने, यही फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, यहां थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, चलो थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। ये पॉइंट आपने कहा अभी आपका ओ है और ये पॉइंट पी बताया आपने, और थोड़ा ऊपर भी बना लेता हूं। मैंने कहा चलो यही पॉइंट जो आपका फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है लाइक दिस। तो इस समय कंडीशन क्या आपकी फर्स्ट मिनिमा के लिए, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा। व्हाट इज साइन थीटा, लैम्डा बाय ए। और आपने कहा ये स्मॉल एंगल पे डायफ्रेक्शन सारा स्मॉल एंगल पे, तो मैं एक बड़ा आपको बताना भूल गया, दैट इज ऑलवेज दैट स्मॉल एंगल, ज्यादा बड़े एंगल पे नहीं होगा। तो इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा बराबर थीटा बराबर टेंजेंट थीटा। अब इस फिगर के अंदर आ जाइए, सपोज कर लीजिए स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से कैपिटल डी है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है आपकी आज तक, और इस डिस्टेंस को वाई मान लीजिए, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कहीं भी मान लो, क्या दिक्कत है वाई। तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चा जी, व्हाट इज द टेंजेंट थीटा, वाई बाय डी फ्रॉम फिगर, टेंजेंट थीटा वाई बाय डी। अभी आपने कहा साइन थीटा टेंजेंट थीटा के ग्राफ दोनों को इक्वेट कर लो, तो क्या आ जाएगा यहां से, y by d is equal to lambda by a और y is equal to lambda capital d by small a आ गया। इसका डबल, इस y का डबल क्या है, width of central maxima है, so width of central maxima कितनी आ जाएगी, 2 lambda capital d by a आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी। अभी मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये कुछ नहीं बताया ये किस एंगल पे बनेंगे, कुछ नहीं बताया, सिर्फ अभी तक मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो मुझे समझ आया, जो मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया। अभी मुझे इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी करना है, ये कहां बनेगा, यहां एंगल कितना है, यहां एंगल कितना है, वो तो कुछ बात ही नहीं की मैंने आपसे अभी, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं की मैंने आपसे, देख लो अभी सारी बातें करनी है। तो यहां तक तो आपका सीबीएसई का काम है,
अब थोड़ा सा वही बात है कि कहां कहां बनेंगे वो फिर मेरा कंपटीशन का काम है। ये काम सारा सीबीएसई बोर्ड का आपका, यहां तक सीबीएसई के अंदर आपको आर्टिकल आता है ये, डायफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, फ्रॉनऑफ फॉर डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट और ड्यू टू सिंगल स्लिट, एक ही बात है। अब मुझे इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट करना है। क्या करना है बच्चा? अब मुझे इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट करना है जो ये बताएगा यहां एंगल कितना है, 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 ये मैंने एन इज इक्वल जीरो क्यों नहीं लिया, वो सब बातें बताएगा आपको। ठीक हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डायफ्रेक्शन पैटर्न, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डायफ्रेक्शन पैटर्न। ठीक है, आपने क्या कहा था कि दो वेव्स हैं आपकी, एक ये है एक ये है, ऐसे बेंड हो गई हैं लाइक दिस, आपने इनको फोकस कर लिया, सॉरी आपने इसको विद द हेल्प ऑफ लेंस फोकस कर लिया। ठीक है, ये यहां जाके ये फोकस हो गई है। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं। और आपने कहा यहां से लेकर यहां तक पाथ डिफरेंस आया था आपके पास ए एन, राइट? यही कहा था आपने, ए एन पाथ डिफरेंस। कहते हैं यहां तो पाथ डिफरेंस जीरो और यहां जाके पाथ डिफरेंस ए एन है, इस पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फेज डिफरेंस भी होगा। लेट फेज डिफरेंस बी टू अल्फा। मैंने डबल क्यों सपोज किया, धीरे धीरे आपको थ्योरी में पता लग जाएगा कि डबल क्यों सपोज किया था। इसका मतलब क्या हो गया, टू अल्फा इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा, ये बन गया यहां पर, और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। बहुत काम आएगा ये रिलेशन अभी आपके, बहुत काम आएगा अभी रिलेशन आपके। ये नटशेल बता दिया कि ये हो गया बेसिकली। अब आराम से फिर बात करते, आपने कहा कि एवरी पॉइंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, तो ये सारे पॉइंट्स बना लेता हूं मैं, ये सारे पॉइंट्स हैं भाई, ये सारे पॉइंट आपने कहा है ये और ये। अगर मैं इन दो के पॉइंट्स के बीच की बात करूं तो ये पाथ गैप है, अगर इन दो के बीच की करूं तो ये पाथ गैप है, अगर इन दो की करूं तो ये पाथ गैप है, अगर इन दो की करूं ये पाथ गैप, एंड सो ऑन। इसमें और इसमें ये पाथ गैप है, फर्स्ट में और थर्ड में, सॉरी फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट में थर्ड में ये गैप है, फर्स्ट में फोर्थ में ये गैप है, फर्स्ट में फिफ्थ में ये गैप है, फर्स्ट सिक्स में ये गैप है। तो गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर मैं कंजक्टिव पार्टिकल्स की बात करूं, उनके फेजेस की बात करूं, तो मैंने कहा भी मान लो ये शुरू वाला पार्टिकल इनिशियल वेक्टर, मैंने ये मान लिया दिस इज माय इनिशियल वेक्टर, जीरो फेज जीरो। अब इन दोनों में कुछ फेज गैप है, अगर मैं वो एंगल पे प्लॉट करना चाहूंगा तो वो ऐसे ही प्लॉट करूंगा मैं आगे, फिर इसमें इसमें कुछ गैप है उसको फिर मैं ऐसे प्लॉट करूंगा, थर्ड में फोर्थ में फिर गैप है उसको ऐसे प्लॉट करूंगा, एंड सोन, ऐसे आर्क बन जाएगी पूरी। लेकिन मैंने कहा बहुत स्मॉल है ये, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क, बहुत छोटे छोटे सपोज किए ना मैंने, ये सर्कुलर आर्क बना ली मैंने। ठीक है बच्चा जी, मैंने क्या किया, एक सर्कुलर आर्क बना ली आपकी, इसको रब कर, क्योंकि फिगर में स्पेस चाहिए इसको रब करना पड़ेगा। अब एक लाइन तो मैंने प्लॉट की यहां पर इसके नॉर्मल, राइट, और एक लाइन प्लॉट की मैंने भला कैसे, लाइक दिस, मैंने थोड़ा आर्क को छोटा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो फिगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है मुझे, और एक मैंने ऐसे प्लॉट किया। ये डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेक्टर है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेक्टर जो लास्ट वाला है, व्हाट इज दिस एंगल, टू अल्फा, राइट। अब ध्यान से देखो, इसके नॉर्मल ये है, इसके नॉर्मल ये है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, टू अल्फा। इस पॉइंट को ओ मार लो, इसको कोई भी नाम दे दो, के दे दो, एल दे दो, जो नाम देना आपने, के एल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक ये कॉर्ड बीच में ड्रॉ कर लो, कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, ये रिजल्टेंट है अभी सारों का, रिजल्टेंट आर, ये रिजल्टेंट है सारों। यहां तक समझ आ रहा है? देख लो,
मैंने क्या कहा, जो पॉइंट्स हैं उन, क्योंकि एवरी पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, तो वो ऐसे से आगे निकल रहे हैं, उनको फेज गैप की फॉर्म में यहां बना दिया, ये एंगल 2α है, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाया, ये सेंटर पॉइंट लगा दिया इसका, हालांकि मेरे से सेंटर नहीं बना, कोई बात नहीं, द्वारा फिर प्लॉट कर देते हैं, दिस इज सेंट्रल पॉइंट, इसके एल, इसको एम मान लेते हैं, सेंट्रल पॉइंट को एम मान लेते हैं, इसकी रेडियस को आर मान लेते हैं, जो अननोन है मेरे लिए, अननोन है। इन ट्राइंगल ओ के एम, ट्राइंगल ओ के एम, ठीक है जी, व्हाट इज के एम, अब ये एंगल अल्फा रह जाएगा, ये भी अल्फा, के एम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन बन जाएगा, तो के एम बाय आर इज इक्वल टू साइन अल्फा और के एम इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो, डबल ऑफ के एम, के एल आ जाएगा, व्हाट इज के एल, टू आर साइन अल्फा, इसको मैंने नाम आर दिया है और कैपिटल आर रिजल्टेंट, टू आर साइन अल्फा, ठीक है जी, दिस इज वन थिंग। अब ये जो आर्क है, चलो कोई बात नहीं, व्हाट इज 2 अल्फा एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, तो डेप्थ विल बी आर्क केएल बाय आर, देख लो, आर्क केएल बाय आर, व्हाट इज आर्क केएल, आपने इन सबको जोड़ जोड़ के बनाया है, इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर प्रोपोर्शनल होगी, विड्थ ऑफ स्लिट के प्रोपोर्शनल होगी, तो जो कॉर्ड केएल है प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, और मैं कॉर्ड के एल को बना रहा हूं एम्पलीट्यूड ए के बराबर बना रहा हूं, तो यहां से व्हाट इज 2 अल्फा ए बाय आर, और 2 आर इज इक्वल टू ए बाय अल्फा आ गया, इसको यहां पुट करो, तो व्हाट इज रिजल्टेंट 2 आर ए साइन अल्फा बाय अल्फा, लो जी पहली बात, दिस इज वन थिंग, ये बहुत काम आएगा रिलेशन, ये एम्पलीट्यूड है टोटल सब का मिला के, व्हाट इज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी ए स्क्वायर बाय साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट साइन अल्फा बाय अल्फा का स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, और दिस इज इक्वल, इस सारे को आई नॉट बना लो, आई नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर, ये इंटेंसिटी रिलेशनशिप आ गई है, और ऊपर आपके पास एम्पलीट्यूड रिलेशनशिप आ गई है, देख लो बच्चा, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मैंने क्या कहा, दिस इज माय मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, अब मुझे इससे जो कंडीशंस हैं सारी वो निकालनी है आपकी, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताई थी भी आपको, कि थ्योरेटिकली भाई ऐसे हुआ होगा, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, उन सबका बेस ये है, लो जी सबसे पहले What is R? R is equal to A by alpha. What is sine alpha? Alpha minus alpha cube by 3 factorial plus alpha by 5 factorial. Alpha 7 by 7 factorial. ये alpha के expansion है भाई. कहते हैं amplitude maximum का, resultant amplitude maximum कब होगा भाई? अगर negative term खत्म कर दो. और negative term खत्म कब होगी? अगर alpha बराबर 0 होगा. पहले इसको सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व, क्योंकि सॉल्व करना, दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए अल्फा स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ए अल्फा 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस ए अल्फा 6 बाय 6 फैक्टोरियल, तो व्हाट इज आर इज इक्वल टू एग्जैक्टली ये आ जाएगा, देख लो, अगर अल्फा 0 हो जाए, इसीलिए अब ऊपर चलते, व्हाट वाज अभी यहां कहा था मैंने 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा है, अगर अल्फा 0 हो जाए, इफ अल्फा 0, तो क्या बन जाएगा, पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा इज इक्वल 0, पाई 0 नहीं हो सकता, ठीक है जी, अल्फा आप कह रहे हो 0 कर दो, तो सारा फैक्टर 0 हो गया, ये इट मींस थीटा बराबर है 0, तो वो जो सेंट्रल पॉइंट बाय ने बना था जहां कोई डेविएशन नहीं है, वो पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, पहली बात, वो पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, देख लो जी, वो पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, अब मुझे बात करनी है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर है, जहां पर एल थीटा 0, थीटा 0 मींस पैरेलल रेज जहां जाके फोकस होंगे, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा, तो ठीक हो गया बच्चा जी,
अब ये तो मैंने, अब यहां पे मैंने ये आपको प्रूव कर दिया कि मैंने n इज इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिया था, ठीक हो गया। अब मुझे बात करनी है इंटेंसिटी ऑफ योर सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करनी है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। लो जी, व्हाट इज इंटेंसिटी, क्या है रिलेशन, ये रहा भाई आपके पास, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ एल्फा बाय एल्फा का स्क्वायर, ये है। अब एल्फा इज इक्वल टू जीरो तो मेरा निकल चुका है भाई, कह रहा है मुझे वो पॉइंट चाहिए जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, अगर साइन एल्फा बराबर है जीरो बट एल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, वहीं पर मिनिमम होगी। मिनिमम की बात कर रहा हूं, पहले मैंने कहा कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, वो थीटा जीरो पे बनेगा, थीटा जीरो पे क्या होगा, एन जीरो होगा, वो बात कर चुका हूं मैं, अल्फा जीरो होगा मतलब, ठीक हो गया। अब मैंने कहा अब अल्फा जीरो तो मैं काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्फा जीरो कर दूं तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, वो तो मैंने आपका फिक्स कर दिया मैक्सिमा के लिए। अल्फा जीरो ये कि ये जीरो, तो ये जीरो कब होगा, अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू, हां जी क्या हो जाए, प्लस माइनस एन पाई हो जाए। अगर एन वन है तो साइन पाई जीरो होता है, अगर एन टू है तो फिर साइन पाई जीरो, तब प्लस हो या माइनस हो, तो साइन एन पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ प्लस माइनस एन पाई, और अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, अल्फा आपका ये रहा और पाई बाय लैम्डा इनटू ए साइन थीटा, पाई बाय लैम्डा इनटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, पाई से भाई कैंसिल हो गया और ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री, क्योंकि जीरो करोगे तो पाथ डिफरेंस जीरो, वो तो मैक्सिमा के लिए फिक्स किया हुआ मैंने, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री। तो यहीं से तो मैंने आपको मैंने प्लस लिया था, क्योंकि उस समय मैं आपको सारी मैंने तो प्लस लैम्डा से कर, तो माइनस नीचे भी बनेगा ऊपर भी बनेगा, दोनों तरफ बनेंगे, वो तो कोई डाउट होगा बच्चों। अब मुझे बात करनी है, किसकी बात करनी है, मैक्सिमा की बात करनी है, मुझे बात करनी है अब मैक्सिमा की, ठीक है। मिनिमा की बात मैंने कर ली, अब मुझे मैक्सिमा की बात करनी है। लो जी अब मैक्सिमा की बात करते हैं, मैक्सिमा अगेन मेरे पास इंटेंसिटी क्या है बच्चा जी, इंटेंसिटी मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है जी। अब मैं रिजल्ट्स सारे एक दफा फिर लिख लेता हूं, एक तो मेरे पास है R इज इक्वल टू ए साइन ऑफ एल्फा बाय एल्फा, एक मेरे पास है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ एल्फा बाय एल्फा का स्क्वायर, एक मेरे पास आ गया है ए साइन थीटा प्लस माइनस एन लैम्डा, और एक है मेरे पास ए साइन थीटा। ये सारे रिजल्ट मेरे पास ऑलरेडी हैं भाई, ठीक है जी। अब मुझे बात करनी है प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करनी है, व्हाट इज आई आई नॉट साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर, राइट। व्हाट इज डी आई बाय डी अल्फा, जहां जीरो होगा वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, आई नॉट बाहर आ गया पहले, पावर का टू नीचे आ गया, साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा माइनस, ये पढ़कर आया क्योंकि पहले नीचे लेगा स्क्वायर कर देते हैं, इसको एज इट इज ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस अल्फा बन गया माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वो वन आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज। जहां पर यह जीरो होगा वहां पर क्या होगा आपके पास, मैक्सिमा होगा, तब ये फैक्टर तो जीरो नहीं हो सकता, ऊपर आ जाते हैं, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर है जीरो, क्योंकि अल्फा जीरो तो कहां गया हुआ, मैक्सिमम में गया हुआ है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर है टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। अब हमने ग्राफ प्लॉट किया, एक ग्राफ प्लॉट किया इंटेंसिटी वर्सेस अल्फा और टेन अल्फा का ग्राफ प्लॉट किया, इसको रब कर लेते हैं
ठीक है, इसको इसको रब कर लेते क्योंकि जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है बच्चा देख लो, पहले मुझे स्पेसिस में रब करने जा रहा हूं अभी इसको। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई, अल्फा बराबर है टेंजेंट अल्फा, ये कंडीशन आ गई मेरे पास। लो जी ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैंने कहा अल्फा बराबर टेन अल्फा, ठीक है ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने पीछे बनाया था अभी आपके लिए कि भाई ये मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, तो पहले उस ग्राफ को बना लेते हैं, जिस तरह से वो ग्राफ बनेगा उसको बना लेते हैं बेटा जी। इसको मान लेते हैं सेंटर, तो एक और ड्रॉ कर लेते हैं इधर, दिस इज माई सेंट्रल वन, ठीक है। इधर पाई, इधर भी पाई, इधर टू पाई, इधर थ्री पाई, इधर फोर पाई, इधर माइनस पाई, इधर माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई और ये माइनस फोर पाई, ठीक है बच्चा जी। ये माइनस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है। तो मैंने कहा भी कुछ ऐसे मेरा इंटेंसिटी पैटर्न है जो मैं बता चुका हूं पहले आपको, सॉरी, ऐसे ही इधर को भी है भाई, लाइक दिस, ठीक हो गया राइट। इनको फिर नीचे प्लॉट कर लिया मैंने ऐसे करके, ऐसे भी प्लॉट कर लिया, ये मार्क कर लिए पॉइंट थ्री पाई, ऐसे इधर भी ये पॉइंट मार्क कर लिए बच्चा जी मैंने, ये फोर पाई पॉइंट मार्क कर लिए सारा, ठीक हो गया। अब मैंने y बराबर अल्फा और y बराबर टेन अल्फा का ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि अल्फा बराबर टेंजेंट और अल्फा बराबर जीरो में काउंट नहीं कर सकता क्योंकि वो मैंने कहा सेंट्रल मैक्सिमा का है। तो दो ग्राफ प्लॉट किए, एक y वर्सेस अल्फा के अंदर, एक y वर्सेस टेन अल्फा के अंदर, ठीक है बच्चा जी। जो ग्राफ आया मेरे पास ये तो y वर्सेस टेंजेंट अल्फा का ग्राफ है, ठीक है। ये y वर्सेस टेंजेंट अल्फा का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं सारे में, ऐसे ही मैंने इस साइड पर भी प्लॉट किए वो, और एक ग्राफ प्लॉट किया मैंने y वर्सेस अल्फा के लिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, सॉरी यहां से सेंटर से पास करेगा क्योंकि y वर्सेस अल्फा का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यहां से पास करेगा, सॉरी यहां से पास करेगा वो, लाइक दिस, ठीक हो गया जी। चेक कर लो, अब इसको यहां कट कर रहा है, इसको यहां कट कर रहा है, इसको यहां कट कर, ऐसे इधर भी कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है और वहां कट कर रहा है, ठीक हो गया बच्चा जी। देख लो ध्यान से, देखो इन दोनों के बीच में पाई और टू पाई के बीच में, मींस ये पॉइंट कहां है 1.5 पाई पे है रफली, ये पॉइंट कहां है 2 और 3 के बीच में 2.5 है, ये कहां है 3.5 पाई पे है, ऐसी इधर नेगेटिव साइड के ऊपर भी है, मीन्स कहां कहां कट कर रहा है अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, हां जी 1.5 पे कट कर रहा है, प्लस माइनस 2.5 पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हां जी बच्चा जी। लेकिन कहता अगर मैं इनको प्रिसाइजली कैलकुलेट करूं तो ये जो आपने लिखे हैं ये नहीं है, 1.43 पाई है, 2.46 पाई है और 3.47 पाई है, ये है एग्जैक्ट पॉइंट तो कहता है, लेकिन कहता है हम कैलकुलेशन इनसे ही कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली की बात चल रही है इनसे ही कर लेंगे। लो जी, व्हाट इज इंटेंसिटी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर, सो व्हाट इज आई वन, आई नॉट साइन अल्फा 1.5, 1.5 मींस 3 पाई बाय 2, ठीक है जी, प्लस माइनस साइन के साथ है और नीचे भी 3 पाई बाय 2 और उसका स्केयर भी करना है तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस आ जाएंगे,
साइन 3π/2 साइन 180 प्लस 90 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस 1, लेकिन स्केयर कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4i0/9π2। पाई स्केयर रफली 10 होता है बच्चा जी, तो आई नोट बाय 90/4, तो ये सॉल्व करके रफली 22 आ जाएगा भाई, 22। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 4.5% ऑफ आई नोट बन जाएगी। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। सेकंड की बात कर देते हैं, आई नो बराबर है आई दिस साइन ऑफ 5π/2 अपॉन प्लस माइनस 5π/2, ये चला गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 90 प्लस 1 होता है, लेकिन सॉल्व करके आ जाएगा 4i0/25π2, ये बन जाएगा 4i0/250, तो ये 1i0/121 बन जाएगा बच्चा जी, सॉरी 66 बनेगा, 66 बनेगा बच्चा जी, और ये बन जाएगा रफली आपका 1.6%। 100/66 कर लो ना, तो 100/60 कर लो पहले, 5/3 1.66, 1.6% ऑफ आई नॉट। I3 निकाल दो, I3 इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 7π/2 प्लस माइनस के साथ, नीचे फिर 7π/2 सारे का स्क्वायर, ये सॉल्व करके आ जाएगा आई नॉट बाय 122, ठीक है, तो ये 5/6 कर लो, तो इज इक्वल टू रफली 100/122, तो 5/6 बन गया, 6 8 48, तो 0.8% ऑफ आई नॉट। ये आपका, इसलिए मैंने ये आपके ऐसे बनाए थे, वहां तो मैंने बना दी, मैंने कहा ऐसे बनेंगे डिक्रीजिंग, मैंने वहां तो कहा था कि भाई पहले वाले पे सिर्फ 1/3 ऑफ स्लिट पहुंच रही है, दूसरे वाले पे 1/5 पोर्शन पहुंच रहा है, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो मेरे सारे थॉट प्रोसेसेस थे, लेकिन असली कैलकुलेशन मेरी ये है। तो डायफ्रेक्शन की थ्योरी में कोई डाउट हो, क्योंकि ये जब तक नहीं पता मुझे, हाँ अब जो क्या था कि मैंने 2α क्यों लिया, क्यों इसलिए लिया भाई, मैं जो स्लिट्स है उसके दो पार्ट्स बना रहा हूं, उनकी तो पूरे में 2α है ना, मैं तो इनकी बात करनी है सारी, इसलिए मैंने 2α लिया था शुरू में ही। कोई डाउट होगा चल जाएगा। डायफ्रेक्शन इज बेसिकली इंटरफेरेंस, उसमें क्या था, इंटरफेरेंस में क्या था, दो अलग अलग सोर्स थे, यहां एक ही सोर्स के दो पॉइंट है अलग अलग, है क्या उसका, एक ही तो बात है, वहां दो अलग अलग सोर्स थे, यहां एक ही सोर्स पर डिफरेंट पॉइंट है, उनकी वेव इंटरफेयर कर रही है, ठीक हो गया, चले आगे। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं एक दो, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो बेटा, एक लाइट यूज की है जिसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर और डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन 2 मीटर है। वो कहता है यहां पर मेरे पास, दिस इज माय सेंट्रल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, इन दोनों के बीच का गैप 2.5 mm है, आप स्लिट विड्थ बताओ कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं आपसे स्लिट विड्थ, ये ए पूछ रहा है आपसे, और कहता है ये अज्यूम करके चलना कि डायफ्रेक्शन स्मॉल एंगल पे हुआ है, तो व्हाट इज कंडीशन, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मिनिमा, ठीक है जी, और साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और फ्रॉम फिगर इन जनरल क्या होगा टेंजेंट थीटा, क्योंकि इसको डी बता रखे हैं हम लोग, इन जनरल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय डी आ जाएगा, तो कंपेयर कर दो, वाई बाय डी इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए और वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय ए, ये जनरल रिलेशन आ गया मेरा इस डिस्टेंस का फॉर फर्स्ट मिनिमा। डिस्टेंस कितना होगा भी, ये वाला डिस्टेंस होगा, फिर उसको वाई वन मान लेते हैं, क्या बन जाएगा 1 into lambda into d by a आ जाएगा, ये फोर्थ है इसको y2 मान लेते हैं,
इसको वाई फोर लिख देते हैं, इसको वाई वन लिख देते हैं, ठीक है। वट इज वाई फोर इज इक्वल टू फोर लैम्डा डी बाय ए, दोनों के बीच का गैप 2.5 है, तो y4 फोर माइनस वाई वन इज इक्वल टू फोर लैम्डा कैपिटल डी बाय ए माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाय ए, सो दिस इज 2.5 mm इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा कितना है बेटा जी 500 नैनोमीटर इंटू 10 रेज टू माइनस 9 और 2 मीटर डिवाइडेड बाय ए। मुझे यही ए तो चाहिए, तो व्हाट इज ए, 3 × 2 × 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2.5 × 10⁻³। ये 2 पे चला जाएगा दो, तो 2 × 4 = 12, 12 × 10⁻⁴ और 1.2 × 10⁻³ और 1.2 mm, क्योंकि ये पहले मीटर बनेंगे वो mm बन जाएंगे, कोई डाउट हो बच्चा जी। 500 था नैनोमीटर, 10⁻⁹ किया, -7 बच के बच्चा जी, तो ये 2 पे चला गया क्योंकि 2.5 mm दिया हुआ है, 2 × 4 = 12, तो 12 × 10⁻⁴ और 1.2 × 10⁻³ और 1.2 mm, कोई डाउट हो बच्चा जी, दिस इज योर स्लिट विड्थ, कोई डाउट हो। अब ये बातें कब कर पाया, जब मुझे सारी थ्योरी क्लियर हो गई, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक वेवलेंथ है D1589 नैनोमीटर और एक दूसरी है D2589.6 नैनोमीटर, ठीक है, दो वेवलेंथ है, अलग अलग यूज किया दोनों को, ये स्क्रीन रखी हुई एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर के ऊपर, ये स्लिट विड्थ है 0.002 mm, ये स्लिट विड्थ ली, पहले यहां से D1 डाली, कहीं फर्स्ट मैक्सिमा बना होगा, कहां बना होगा, यहां बना होगा फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा 1 के लिए, ठीक है जी। फिर मैंने दूसरा काम किया थीटा 2 के लिए, उसका कहीं मैक्सिमा बना होगा, कहता दोनों का गैप बताओ मुझे, वाई डी टू माइनस वाई डी वन बताओ, दोनों का गैप बताओ कितना गैप है दोनों के अंदर, मतलब पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया विद वेवलेंथ D1, फिर किया विद D2, दोनों के मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा कहीं बने हैं, उन दोनों का गैप पूछ रहा है वो आपसे, व्हाट इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ए साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाय 2, ठीक है जी, तो व्हाट इज साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाय 2a, अगेन थीटा स्मॉल है, वही साइन थीटा बराबर थीटा बाय टेंजेंट थीटा, और व्हाट इज द टेंजेंट थीटा, दैट विल बी वाई बाय डी, सो वाई कितना आ जाएगा 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2a, वहां पे n लैम्डा था या 2n+1 है, नीचे 2 भी आएगा साथ में, पहले बात कर रहा हूं मैं पहले इस वेवलेंथ की बात, किसी की बात करो जिसकी मर्जी आपकी, जिसकी और फर्स्ट की बात करनी तो भी कर देते हैं, फॉर फर्स्ट y इज इक्वल टू 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2a, ठीक हो गया, तो लैम्डा ऊपर है तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसका लेटर बाद में बनेगा, तो वाई डी टू माइनस वाई डी वन आपने निकालना है, ठीक है जी, तो ये 3D/2a दोनों का कॉमन आ जाएगा और वो बन जाएगा लैम्डा 2 − λ1, दैट विल बी, कोई डाउट हो बच्चा जी, क्योंकि पहले एक के साथ परफॉर्म करोगे, इसको मैं पहले कर रहा हूं तो पहले लैम्डा 1 आएगा बाद में लैम्डा 2 आएगा, तो मतलब पहले मैंने परफॉर्म किया इसके साथ तो ये पहले आ गया देखो, फिर उसके साथ क्या, उसके साथ आ गया वो, ठीक है जी, 3D कितना है 2 m/2, पॉइंट तो ये 2 × 10⁻³ और 2 × 10⁻⁶ मीटर बन जाएंगे, लैम्डा 2 दिस इज 0.6 नैनोमीटर है, 10⁻⁹ आ जाएगा, चेक कर लो बच्चा जी, 3 × 2 = 6, 6 = 36/4 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, इसको इधर एडजस्ट कर दिया मैंने, -10 कर दिया, तो 9 × 10⁻⁴0.9 × 10⁻³
0.9 mm दोनों के बीच का गैप आ जाएगा बस। तो पहला क्वेश्चन मैंने मिनिमा वाला कर लिया, अगला मैक्सिमा वाला कर लिया, कोई डाउट हो आपको देख लो बच्चा जी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है मैंने क्या किया, परफॉर्म किया 500 नैनोमीटर के साथ, मैं वेवलेंथ 500 इसलिए लेता हूं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है बच्चा जी, ठीक है। एक स्क्रीन पर रखा हुआ था मैंने, लो जी ये स्लिट है मेरी, तो यहां पैटर्न बन गया लाइक दिस। ये इसका सेकंड मिनिमा है, कहते हैं सेकंड मिनिमा ऑफ दिस वेवलेंथ कोइंसाइड विद सेकंड मैक्सिमा ऑफ सम अदर वेवलेंथ। फिर मैंने इसी मतलब इस पॉइंट को नोट कर लिया मैंने स्क्रीन के ऊपर, ये डिस्टेंस वाई आ गया। अब मैंने ये सोर्स हटा लिया, नया सोर्स लगाया, यहां पर यही पर उस सोर्स का सेकंड मैक्सिमा बन रहा है, उस सोर्स की वेवलेंथ बताओ। तो व्हाट इज कंडीशन, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसका तो मिनिमा बन रहा है सेकंड मिनिमा, तो क्या बन जाएगा यहां से, पहले तो साइन थीटा निकाल लो ना बेटा जी। एन लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू वाई बाय डी होता है, अब तो मुझे पता सारी बातें, तो व्हाट इज वाई, क्या बन जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय ए, सॉल्व करके आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। ये तो इसके साथ हुआ, अब दूसरी के साथ किया तो वो मैक्सिमा बन रहा है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2a, ये आपको पता वाई बाय डी आ जाए, कोई सेम डिस्टेंस बन रहा, तो व्हाट इज वाई, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2a, ये भी सेकंड है तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2a। ये दोनों वाई बराबर है, वो कहता है बराबर कर दो दोनों को। अब ये नोन है, ये अननोन है, अननोन को आप डैश मान लो, अननोन को डैश मान लेते हैं, डैश मान लेते हैं, डैश अननोन, अननोन कहीं और तो नहीं लैम्डा, नहीं ठीक है जी। तो 5 λ′d/2a इज इक्वल टू 2 λ′d/a, लैम्डा डी बाय ए कट जाएंगे तो 5 λ′/2 इज इक्वल टू 2 λ′d/a काट दिए मैंने, और लैम्डा डैश इज इक्वल टू 4/5 ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 500 नैनोमीटर इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर फाइव हंड्रेड, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 400 नैनोमीटर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैम्डा 500 नैनोमीटर, डी बराबर है 2 मीटर और ए बराबर है 0.25 mm, ठीक है। ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन है, लो जी क्या हुआ, रेज आ रही है, कहता है ये जो एंगल है दिस इज 37 डिग्री, कितना है ये 37 डिग्री, ये भी 37 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये बी है, और ये सेंट्रल पॉइंट सी है। कहते हैं पाथ डिफरेंस बताओ बिटवीन द रेज फ्रॉम द टॉप एंड द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट, उनका पाथ डिफरेंस, इनका पाथ बताओ, कोई बात नहीं। ये नॉर्मल प्लॉट कर दिया, ये पॉइंट एन आ गया तो एंगल 37 हो जाएगा। व्हाट इज सी एन, ए सी साइन 37, व्हाट इज सी एन, ए सी साइन ऑफ 37 डिग्री, चेक कर लो बच्चा जी, क्योंकि अगर ये 37 है, ये भी 37, ये अंदर वाला भी 37 होगा, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है,
व्हाट इज एसी? एबी बाय 2f, चेक करो मिड पॉइंट कहा है मैंने, साइन ऑफ 37 डिग्री। व्हाट इज एबी? विड्थ है। व्हाट इज साइन 37? 3/5 मींस 0.3 a आपका पाथ डिफरेंस आ गया। cn चेक कर लो, तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस? डेल्टा एक्स 0.3 इनटू a 0.25 mm, 10^-3। ठीक है जी, चेक कर लो बच्चा जी क्या बनेगा ये, तो 75 × 10^-6 मीटर, दिस इज पाथ डिफरेंस। पहली बात, कोई डाउट हो, और 7.5 × 10 जो भी करना है वो पूछ रहा है। फेज, पहले तो पार्ट में खाल दिया, आप कहता है फेज डिफरेंस भी बताओ कितना, ये भी पूछ रहा है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फाइव 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। व्हाट इज लैम्डा? 500 नैनोमीटर। तो 500 × 10^-9 इंटू 75 × 10^-6, तो नीचे 5 × 10^-7 बचेंगे। चलो दोस्त अब करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आ गया 150 π × 10^-6 और नीचे आ गया 500 × 10^-9। ठीक है जी, तो ये आ गया सॉल्व करके 150 π × 1000/500, ये टूजा चले गए, 300 π आ गया। व्हाट इज 300 π? अब आराम से सुनना मेरी बात को, फेज डिफरेंस निकाला है और ये दो रेज जाके मीट कर रही हैं। व्हाट इज आई आर? पढ़कर आया हूं मैं, I1 + I2, 2I1 I2 cos φ, यही आके मिलेगा ये फेज डिफरेंस। व्हाट इज cos φ? 300 π, 0। तो क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा स्क्रीन पे, यहां पर जो भी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैक्सिमा बनेगा कोई। लेकिन ये मैं कब कर पाऊंगा? जब मुझे बेसिक थ्योरी क्लियर होगी। मैं ये कब कर पाऊंगा? जब मुझे बेसिक थ्योरी क्लियर होगी। तो आज मैंने कोशिश की है आपको ये बताने की कि डायफ्रेक्शन में कैसे काम होता है। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं आपको ये बताने की कि डायफ्रेक्शन में कैसे काम करते हैं। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।